पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एनडीए 400 पार के स्लोगन के साथ चुनावी मैदान में लगातार ताल ठोक रही है और इस आंकड़े को पार करने के लिए बीजेपी ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक अभियान चलाना शुरू भी कर दिया है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री मोदी आज से दो दिन के लिए मिशन साउथ पर पहुंच गए हैं और दक्षिण के दुर्ग को भेदने के लिए प्रधानमंत्री मोदी केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र को कई सौगातें दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इनमें से कुछ सौगातें मंगलवार को मिली तो कुछ सौगातें बुधवार को मिलने वाली हैं। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल दौरे पर हैं और ऐसे में ये दौरा कई मायनों में काफी खास हो जाता है, लेकिन बीजेपी के लिए दक्षिण की राह आसान नहीं है, इसी को समझेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ था, इस चर्चा में जुड़ेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट देखिए आप। मिशन साउथ पर निकले प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को अपनी यात्रा की शुरुआत केरल से की। उन्होंने सबसे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा किया और गगनयान मिशन की अभी तक हुई प्रगति की समीक्षा की। यहां प्रधानमंत्री ने लगभग 1800 करोड़ रुपए की लागत के अंतरिक्ष से जुड़े 3 अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। अपने इसरो दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की भी घोषणा की जो देश के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने इंडिया गठबंधन पर बड़ा हमला किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गठबंधन में आपस में ही विवाद छिड़ा हुआ है। लेफ्ट पार्टी की ओर से वायनाड सीट पर उम्मीदवार खड़ा करने पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि लेफ्ट चाहती है कि वायनाड से राहुल गांधी बाहर हो जाएं। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष अपनी हार मान चुका है। अपनी हार तय देखकर वो बौखलाया हुआ है। उसके पास देश के विकास का रोड मैप नहीं है। 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार केरल दौरा पर पहुंचे प्रधानमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने कभी किसी राज्य को वोट बैंक के नजरिए से नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि बीते 10 सालों में केरल को बीजेपी शासित राज्यों की तरह विकास का लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी कभी सत्ता में नहीं आई है, लेकिन मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है। हमने केरला को मजबूत बनाने के लिए काम किया। इन 10 वर्षों में देश का जो विकास हुआ, जो बड़े फैसले लिए गए, उनका उतना ही लाभ केरला को भी मिला जितना बीजेपी शासित प्रदेशों को। केरला की जागरूक जनता ये सब जानती है। केरल के बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के तिरुपुर पहुंचे। यहाँ रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री मोदी सभा स्थल पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए विरोधियों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भले ही बीजेपी तमिलनाडु में सत्ता में न रही हो, लेकिन यहाँ के लोग बीजेपी के दिल में रहते हैं। साथियों, बीजेपी तमिलनाडु में भले ही कभी सत्ता में न रही हो, लेकिन तमिलनाडु हमेशा बीजेपी के दिल में रहा है। दरअसल दक्षिण का किला ऐसा रहा है जिसे अभी तक बीजेपी पूरी तरह से भेदने में सफल नहीं हो पाई है और यही वजह है कि कहीं न कहीं इस दौरे पर चुनाव से जोड़कर भी देखकर चला जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के वर्षों में दक्षिण भारत में खास ध्यान दिया है। दक्षिण के दुर्ग पर कब्जे के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के मॉडल को चुना है। दक्षिण में 10 सालों में 7 गुना अधिक बजट दिया गया।
और इस दो दिवसीय दौरे में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास कर रहे हैं। इनमें से कुछ सौगात मंगलवार को मिली तो कुछ सौगात बुधवार को मिलेगी। दक्षिण के बड़े राज्यों में विकास के कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसमें सबसे अधिक रेल और रोड नेटवर्क पर ध्यान दिया गया। पिछले 5 वर्षों में रेलवे के बड़े प्रोजेक्ट की तमिलनाडु और केरल में शुरुआत हुई, जिसे या तो पूरा कर लिया गया है या पूरा होने की कगार पर है। सारी कवायद दक्षिण के दुर्ग को जीतने की है, लेकिन दक्षिण भारत बीजेपी के लिए अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है। केरल की बात करें तो यहां की 20 में से किसी भी सीट पर बीजेपी का सांसद नहीं है। सूबे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और बीजेपी के लिए यहां शून्य से शिखर तक पहुंचना आसान नहीं है। बीजेपी के लिए केरल वाला हाल तमिलनाडु में भी है। यहाँ की 39 लोकसभा सीट में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है। प्रदेश में डीएमके पार्टी की सरकार है, जो विपक्षी गठबंधन का हिस्सा है। एआईडीएमके के गठबंधन तोड़ने के बाद से तमिलनाडु में कोई बड़ा सहयोगी नहीं है। दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक ही एकमात्र राज्य है जहाँ बीजेपी की पकड़ है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी की कांग्रेस के हाथों हार से हालात चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीटों में 25 पर बीजेपी का कमल खिला था, लेकिन वर्तमान में यहां सिद्धरमैया की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार है। एक और दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश की 25 में से कोई भी सीट बीजेपी के पास नहीं है, यानी यहां से बीजेपी के सांसद की संख्या जीरो है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी को थोड़ी राहत है। तेलंगाना में 13 में से 4 सीट बीजेपी के कब्जे में है। बीजेपी को पता है कि अगर 400 के लक्ष्य को पाना है तो दक्षिण के दुर्ग पर फतह जरूरी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण राज्य केरल में बीजेपी की चुनावी जीत के अपने सपने को साकार करने के उद्देश्य से 2 महीने से भी कम समय में तीसरी बार दौरा कर रहे हैं। अब देखना है कि दक्षिण के दुर्ग में बीजेपी का कब कमल खिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। तो सबसे बड़ी चुनौती मोदी सरकार के लिए है कि दक्षिण भारत में भाजपा का सूर्य उदय कैसे हो। इसी रणनीति पर लगातार काम कर रही है। दक्षिण भारत बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आने वाला है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। अनिल गोयल हैं, बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ बहुत स्वागत है अनिल जी आपका कार्यक्रम में। प्रखर सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता है हमारे साथ, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत अनिल गोयल जी आप ही के साथ। मोदी सरकार की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दक्षिण भारत को अगर फतेह करना है, इस किले को भेदना है, तो कहीं ना कहीं रणनीति काफी मजबूत होनी चाहिए। क्या लगता है आपको, और ऐसा क्यों लगता है कि आप लगातार दौरे करते रहेंगे, प्रधानमंत्री दक्षिण के दौरे पर जाते रहेंगे तो इस किले को भेदना आसान हो जाएगा, जनता को सौगाते देते रहेंगे तो इस किले को भेदना आसान हो जाएगा? किस तरह की रणनीति पर चल रही है भारतीय जनता पार्टी? बक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से देश के विकास की रणनीति पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, जो भी दक्षिण के राज्य हैं, उन सबका विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं देख रही वहां पर किसकी सरकार है, किसकी सरकार है। वो अपनी केंद्र की जो महत्वपूर्ण भूमिका है, उस भूमिका को पूरी अच्छी तरीके से निभा रही है। आप ये देखेंगे कांग्रेस के टाइम से भी ज्यादा 7 गुना ज्यादा बजट अगर हमने दिया है वहां पर, तो हम उस इंस्टीट्यूटों को डेवलपमेंट करना चाहते हैं। वोट का जहां तक सवाल है, वोट देने का काम जनता का है। हमारा काम तो सिर्फ वहां के लोगों की सेवा करना है और बिना भेदभाव के सेवा करना है। ये हम दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ ये विषय नहीं है कि वहां पर किसकी सरकार है, किसकी सरकार नहीं है। हमारी की वो हमारे देश के नागरिक है, उनका उत्थान कैसे हो, उस स्टेट का डेवलपमेंट कैसे हो, वहां पर रोजगार कैसे आगे बढ़े, इस चीज पर लग करके जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को हमारे प्रधानमंत्री ने दिया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई जाकर के करना, वैज्ञानिक विषय में जाना, इसरो में जाकर के उनका हौसला अफजाई करना। ठीक है सर, मान लेते हैं कि तमाम तरीके की योजनाओं को दक्षिण भारत तक ले जाने का, विकास का रोड मैप तैयार करने की जो भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन जब एक ही बात लगातार हर मंच से कही जाती है कि अब की बार 400 पार NDA सरकार, तो इस 400 पार के लक्ष्य को पाने के लिए दक्षिण भी तो बहुत जरूरी है, या बिना दक्षिण भारत को जीते आप 400 पार का लक्ष्य पार कर पाएंगे अनिल जी? बक्ता जी,
सही मायनों में 400 पार करने के लिए हमें हिंदुस्तान के प्रत्येक वोटर की आवश्यकता है। ये वो विषय नहीं है कि उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको चुनावी रणनीति से ना देखने की जगह क्षेत्र के विकास की रणनीति से देखो। अगर सर विकास तो तभी होगा ना जब आप सत्ता में आएंगे सर। वक्ता जी कैसे करेंगे बिना, आपको लगता है बिना दक्षिण कुछ हुए, बिना दक्षिण पर विजय हासिल करे आप 400 पार पहुंच जाएंगे? वक्ता जी ये तो वहाँ की जनता हमको आशीर्वाद देगी, फिर हम वहाँ पर आएंगे और वहाँ का विकास करेंगे। लेकिन हम ये देखिए वहाँ की जनता को ये संदेश सीधा दे रहे हैं कि बेशक वहाँ पर हमारी सरकारें नहीं है तो भी केंद्र सरकार की तरफ से आप उस स्टेटों को पूरी मदद दी जा रही है, वहाँ के विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है और पूरी तरीके से वहाँ का विकास हो रहा है। चाहे महिलाओं के विकास की बात हो, चाहे किसानों के विकास की बात हो, चाहे खेतों में पानी पहुंचने की बात हो, चाहे वैज्ञानिकों की बात हो, हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर मदद कर रही है और वहां की जनता के जीवन शैली को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। ठीक है। और ये चुनाव बक्ता जी एक बात और है, चुनाव आते जाते रहेंगे, विकास होना चाहिए, जनता तक उनकी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। हमारी सरकार माननीय मोदी जी की सरकार इसी काम पर लगी हुई है। ठीक है। और आपने ये देखा होगा सर, आपने ये देखा होगा कि हिंदुस्तान के हर कोने में विकास की गंगा बह रही है। ठीक है सर। हिंदुस्तान के हर कोने में पूरा विश्व इसका लोहा मान रहा भारत के विकास का। ठीक है सर। प्रखर जी, भारतीय जनता पार्टी का एक ही लक्ष्य है, जहां तक है विकास का विजन भारत को देने में लगी हुई है और खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने भी साफ तौर पर खुलकर केरल में इस बात को रखा कि विपक्ष ने हार मान ली है, उनके पास देश के लिए विकास का कोई रोड मैप नहीं है। इस बात से कितना आप वो रखते हैं? देखिए, मैं और केरल की जनता दोनों जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री सबके, मगर बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी जब भी आते हैं तो चुनावी जुमले की बात करते हैं। ये आते हैं, बड़ी बड़ी योजनाएं बोलते हैं, मगर धरातल पर उन योजनाओं का कुछ नहीं पता चलता। जैसे एम्स दरभंगा आपके सामने एग्जाम्पल है, पता नहीं कितने एम्स ऑन पेपर खोल चुके हैं, ऐसी घोषणा करके चले जाते हैं। ऐसे ही स्वयं नरेंद्र मोदी जी अभी राजस्थान के चुनाव में 450 रुपए का सिलेंडर घोषणा कराए थे। अभी तक क्या हुआ? चुनाव हो गया, मंत्रिमंडल भी बन गया, सब बन गया, आज तक उस पर कोई बात नहीं करती। यही मोदी जी बोलते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सबके खाते में आएगा, किसान की आय दुगनी होगी। अरे किसान यहाँ सड़क पर है, किसान के ऊपर बैलेट गन से प्रयोग हो रहा है, किसान के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, और ये बोलते हैं विकास की गंगा। आपको लगता है दक्षिण भारत भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है प्रखर जी? चुनौती क्या वहाँ वो है ही नहीं, इनका अस्तित्व नहीं है वहाँ पर, और वहाँ की जनता इनको आने भी नहीं देगी। वो जानती है कि ऐसे झूठे वादे करेंगे आकर के। और राज्यों की बात करते हैं तो राज्यों की सरकारों को ये बजट नहीं दे रहे हैं, उनका पैसा रिलीज नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको जानना चाहिए, यहाँ देश का किसान मर रहा है और देश का एग्रीकल्चर का 1,05,000 करोड़ इन्होंने सरेंडर कर दिया, यूज नहीं किया, तो जनता देख रही है और इनको जवाब देगी इस चुनाव में। ठीक है। अनिल गोयल जी, बात तो इस बात की बिल्कुल वाजिब है कि कहीं पर भी किसी भी दिशा में किसी भी राज्य में अगर दक्षिण के देखा जाए तो आपकी पैंठ उतनी मजबूत नहीं है। बात कर्नाटक की कर लें, 28 लोकसभा आपने जीती, 28 सीटों में से 25 पर बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन वर्तमान में सरकार की बात की जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार में बैठी है। आंध्र प्रदेश की 25 में से एक भी सीट पर आपका कोई सांसद नहीं है, तो आंध्र प्रदेश की भी बात करना बेकार है। केरल की बात करें, 20 में से किसी भी सीट पर बीजेपी का कोई सांसद नहीं है, ये भी बेकार है। तेलंगाना से थोड़ी राहत जरूर मिलती है कि 13 में से 4 सीटें आपके कब्जे में है, लेकिन फिर तमिलनाडु पे अगर नजर डालें तो 39 में से कोई सीट आपके हाथ में नहीं है। ऐसे में किस तरह से आप जीत का दावा कर रहे हैं ये समझना बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। 400 पार का दावा और सीट एक भी नहीं, मजबूती कैसे आएगी सर? बक्ता जी, आपने पश्चिम बंगाल में देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायक थे, 370 विधायक, 80 विधायक वहां पर है। कांग्रेस में कभी सत्ता में थी और आज भी वहां पर 0 है। आप हम चुनावी रणनीति हमारा संगठन बनाएगा और हम चुनावी रणनीति संगठन के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। सरकार चलाना और संगठन चलाना दोनों अलग अलग चीजें, दोनों एक साथ नहीं है। ये हम ये कांग्रेस नहीं है कि जो सिर्फ अपने परिवार के लिए ही काम करेगी, कांग्रेस ये नहीं है कि सोनिया गांधी
मेरे बेटे को पीएम बना दो, मैं अपने बेटे को पीएम बनाने के लिए लड़ाई लड़ूंगी। वो अमेठी के अपने घर के घर को भाग करके बायनाट आ गए और बायनाट से इनके गठबंधन के साथी ने वहां पर अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर लिया है। अभी तो ये भी नहीं पता कि राहुल गांधी जी बायनाट से लड़ेंगे या अमेठी से लड़ेंगे या कहां से लड़ेंगे, यानी जो सीटें छोड़ करके भाग रहे हैं, जो परिवार जहां परिवारों के गढ़ है वहां पर इनको कोई घास नहीं डाल रहा, तो निश्चित तौर पर इनको अपने बारे में सोचना चाहिए, हमारे बारे में सोचने जो की है। और हम एक बात बड़ा स्पष्ट है कि चुनाव चुनाव के हिसाब से लड़ा जाएगा, चुनाव में हमारा काम है अपनी योजनाओं को जनता तक ले जाना और जनता का काम है उसके आधार पर हमको वोट देना। जहां तक किसानों की बात है, किसानों की सम्मान योजना, किसान प्रधानमंत्री जो किसानों का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान है उसकी 16वीं किस्त हमने जारी करी है, और जब ने पहली किस्त जारी करी थी तो कांग्रेस वाले कहते थे कि ये सिर्फ चुनावी बात है, आगे किस्त जारी नहीं होंगी। लगातार 16वीं किस्त जारी हो रही है, चाहे महिलाओं का मामला हो पूरी तरीके से उनको पूरा जो सम्मान राशि उनको दी जा रही है, चाहे वैज्ञानिकों का मामला हो, आप इधर हर क्षेत्र में हर व्यक्ति का पूरा सम्मान करना। आज सड़कों का वहां पर जाल बिछा हुआ है, आज रेलों की कितने डेवलपमेंट हो रही है आप ये देख रहे हैं। तो जो हमारे केंद्र सरकार ये करने काम है वो सारे कर काम है, काम वहां नहीं कर रही है तो इनकी स्टेट गवर्नमेंट वहां पर कुछ काम नहीं करना चाहती है। स्टेट गवर्नमेंट वहां पर लाल फीता शाही है, भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इनको ये बौखलाहट हो रही है। हम तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि ये जो दुनिया भर की बातें कह रहे हैं, सिर्फ एक बात बताएं कि जो विकास कार्य वहां पर हुए हैं, जो विकास कार्य वहां पर कर रहे हैं, जहां पर हमारी सरकार काम कर रही है उसको इनको मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ और एक बात और देखेंगे, इनके जो पार्टियां हैं सारी पार्टी अपने परिवार को बनाना चाहती है। लालू यादव अपने भतीजे जवाब ले लेते हैं, अनिल जी जवाब ले लेते हैं, बता दिए लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, मुलायम सिंह यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है वो इनके साथ गठबंधन। ठीक है ठीक है अनिल जी, मैंने सुना प्रखर जी लगातार इस बात को तमिलनाडु से भी प्रधानमंत्री कहते नजर आए कि देशों को लूटने का काम किया है और आरोप लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर, दक्षिण के राज्यों को पूरी तरह से लूट लिया, किसी तरीके का काम नहीं किया। चलिए सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की बात से मैं शुरू करता हूँ। मोदी जी बोलते थे कि 2014 के पहले इस देश में हुआ क्या, शर्म आती थी। तो जब आप विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन जाते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि स्पेस में पहली बार हमारी सरकार के टाइम पर गए, और राकेश शर्मा जी से जब पूछा गया, इंदिरा जी ने पूछा कि कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अरे हम उस देश को बनाया है हमने, आप जिन सेंटर पर जाते हैं जहां जहां उद्घाटन करते हैं वो सब हमारी गवर्नमेंट के टाइम पर बने हैं। आपकी गवर्नमेंट में क्या हुआ, आपने खाली पीएफपी उसको इस देश के बेचा है। उसके बाद बीजेपी प्रवक्ता अभी बता रहे थे कि हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसान निधि की बात करी तो भाई साहब ढाई लाख किसानों को आपने उससे हटा दिया है, ये पार्लियामेंट का डेटा है। उसकी बात आपने कहा कि आप महिलाओं के लिए काम करते हैं, अरे महिलाओं पर तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। जो जो नेताओं के आपके नेताओं पर जो जो आरोप लगे और कन्विक्शन हुआ उन पर तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए। अभी ऐसे कोई भी जगह घटना, आप शांत रहिए, देखिए बीच में नहीं बोला था मैं, अभी वाराणसी की जब घटना हुई हर जगह बुलडोजर करने वाला बुलडोजर इनके नेताओं के घर के सामने रुक जाता है। इनके नेताओं पर कोई भी आरोप हो या कोई भी चीज हो या उस पर कन्विक्शन होता है वहां जाके कोई बुलडोजर काम नहीं करता है, खाली बातें बताते हैं और सिर्फ झूठ बोलने आ जाते हैं। जिन राज्यों में इनकी सरकार है उस राज्य उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सांसद इनको दिए और सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसद भी इनको दिए हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 1100 से ऊपर का सिलेंडर आप दे रहे हैं वहां के लोगों को। सबसे ज्यादा बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में है। इस देश में 44% युवा जो 25 साल से कम का है वो बेरोजगार है। इस देश में 80 करोड़ से ऊपर ज्यादा लोग हैं जो वो दो वक्त तक खाना नहीं खा पा रहे ले पा रहे उनको गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है। हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ प्रखर जी, यूपी के अंदर जो सफाई का होता था आज सफाई कार्यक्रम क्यों नहीं हो रहा? हमारा बीमारू उत्तर प्रदेश मिला था, क्या कर रहे हैं उत्तर प्रदेश मिला था, आज उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर है। आज सर अगर प्रगति के रास्ते पर है तो दक्षिण में ये प्रगति नजर क्यों नहीं आती है? मोदी मैजिक की लगातार बात की जाती है, ये मोदी मैजिक दक्षिण में जाते ही छूमंतर कैसे हो जाता है? बक्ता जी मैं अभी एक एक बात के इनको जवाब दूंगा। इन्होंने यूपी की बात करी तो मैंने मोदी यूपी का सर यूपी छोड़िए ना सर, बात दक्षिण की हो रही है, दक्षिण पे रहते हैं सर। अनिल जी दक्षिण की बात कीजिए। अभी ये बात कर रहे थे, अभी इन्होंने एक बात कही है कि इन्होंने जो है भारत के विकास की बात करी है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं करा। अरे 11 बिल्कुल कांग्रेस ने करा है यूपी की बात, जब कांग्रेस के 10 साल की सरकार थी। अनिल जी एक बात बताइए ना सर, दक्षिण में क्यों नहीं मोदी की छड़ी चलती है,
क्यों ये मोदी मैजिक नहीं नजर आता, वहाँ की जनता को क्यों नहीं समझ आता कि ये मोदी मैजिक है, क्या कारण है, वहाँ की जनता आपको क्यों नहीं स्वीकार करती है? बक्ता जी, चुनाव के रिजल्ट आने दो, आपको ये दिखाई देगा कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत करके आ रही है, क्योंकि दक्षिण की क्या रोड मैप रहने वाला है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं सर? मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि दक्षिणी जनता ने ये देखा है कि 2004 से 2014 तक जो आर्थिक स्थिति थी वो 12वें से 11वें नंबर पर आई है, और 2014 से 2024 तक 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आई है। क्या मुद्दे लेकर उतरेंगे सर दक्षिण में, क्या मुद्दे लेकर उतरेंगे अनिल जी? हाँ बक्ता जी, मैं वही, आज हम दक्षिण में उतरेंगे अपने काम के आधार पर, विकास मॉडल लेकर, कि जहाँ बिल्कुल अपने काम के आधार पर, और काम हमने करा है जहाँ जहाँ पर हमारी सरकारें हैं, जो केंद्र सरकार ने काम है उस काम के आधार पर हम दक्षिण में जाएंगे और दक्षिण में अपनी जनता से वहाँ पर वोट मांगेंगे। ठीक है, हम वहाँ पर दक्षिण में अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, कोई भी सीट ना होने पर भी राज्यों में दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी की पैठ ना होने के बाद भी जो हौसला है वो काफी बुलंद है कि जब रिजल्ट आएगा तो बेहतर आएगा। इस चुनौती का सामना कांग्रेस करने के लिए कितना तैयार है, किस तरह की रणनीति है, क्या रोड मैप है और किन मुद्दों पर आप उतरेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के मॉडल के पथ को पकड़ लिया है। देखिए, बात बोलने और झूठ बोलने में तो भारतीय जनता पार्टी का किसी से कंपैरिजन नहीं किया। ये इन्होंने जिस को भ्रष्टाचारी आज तक बोला है उस नेता को अपने आप बड़े पद पर दिया है। अब तो इनका क्राइटेरिया बन गया है, अगर आप बताइए ना सर, वक्त की कमी है, पहले आप भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप अपने ऊपर लीजिए, उसके बाद आप बीजेपी ज्वाइन करिए और आपको बड़ा पद दिया जाएगा। तो इनकी कितनी लोग कर रही है, कुछ भी बोल सकते हैं, 400 बार बोलने तो क्या जाएंगे, खाली बोलते हैं, बोलते तो है, कितने सारे एम्स बना दिए, एक व्यक्ति पहुंच गए एम्स दरभंगा देखने तो सच्चाई पता चल गई, जितने इन्होंने एम्स और एयरपोर्ट बताइए ना सर कैसे करें। अरे सर, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी तरीके से किसी तरह से मजबूती नहीं है, तमिलनाडु में है ना 4 सीटों पर तो कब्जा किया ना सर। अरे भाई, 4 पर कर लिया, सरकार बनाने में अंतर है ना। हाँ तो वही तो मैं पूछ रही हूँ सर, मतलब भाई जनता वहाँ की देखती है ना किन मुद्दों पर लड़ते हैं, जनता वहाँ की कंपेयर करती है ना। आप किन मुद्दों पर हैं? हम, अरे हमारे मुद्दे पर तो आज तक हमको वोट पड़ रहा है। हाँ, कौन सा मुद्दा सर बता दीजिए, क्योंकि ये विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, आप किस मुद्दे की, आप किस मॉडल की बात कर रहे हैं? हमारे, हमने किसानों की आय दुगनी करी थी, हमने किसानों का लाखों करोड़ सर अभी बताइए ना, अभी हमने बताया तो। हाँ, अरे जितना भी आप डेवलपमेंट देख रहे हैं सब कांग्रेस के टाइम का है, तो इसको प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ी है, तो जो काम कर लिया है उसी को लेकर मैदान में उतरेंगे। अरे तो उसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, अभी अभी फिलहाल आपका कोई मुद्दा नहीं है। अरे मुद्दा क्या, आपको बताइए ना, हमारे टाइम पर आप बताइए, बैंगलोर जैसी आईटी सिटीज बनी, हैदराबाद डेवलप हुआ, आप बताइए किसके टाइम पर हुआ, इतने बड़े बड़े बिजनेस हब कैसे हुए? ठीक है सर, चलिए सर, वक्त की कमी है, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। पक्ष विपक्ष में इतना ही, नमस्कार।